नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हरनीत कौर। और तुझे याद ना मेरी आई किसी से, अब क्या कहना। और दिल रोए और अख भर आई। तो आपका दिल रोए और अख भर आई क्या? आई एम रियली सॉरी कि मैं इतनी देर से एबसेंट थी। मैंने अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं की है, आप लोग मेरे से नाराज हो। सारे इसलिए नाराज, स्कूल टाइम पे अटेंडेंस पूरी नहीं, कॉलेज में अटेंडेंस पूरी नहीं, अब यूट्यूब पे अटेंडेंस नहीं पूरी रख रही छोरी। तो हुआ यूं कि भाई मैंने कोशिश पूरी की कि मैं कंप्लायंट रहूं, रोज वीडियोस डाला करूं, और डाल भी रही थी, बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन होता है ना कई बार, वो जो कहते होते पंडित जी भी, कभी कभी ना मुहूर्त शुभ नहीं होता है। मैंने ऐसे, मतलब इट्स नॉट अबाउट मुहूर्त, इट्स अबाउट मेरे को जिंदगी में ना, मेरा टाइम ही ऐसा चल रहा था कि मेरे को थोड़ा ब्रेक लेनी थी। गाड़ी जब बहुत तेज से चल रही होती है ना, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो भाई इससे पहले कि कोई कुछ होता, तो मैंने अपने आपको खुद ही स्लो डाउन कर लिया। क्योंकि क्या हो क्या रहा था, मैं सुबह उठती थी ब्रेकफास्ट करने के बाद, कई बार ब्रेकफास्ट नहीं भी करती थी, पेशेंट्स पेशेंट्स पेशेंट्स, कंसल्टेशन, रात को वीडियो, 4-5 बजे सुबह जाके सोती थी। दिन में सिर्फ एक बार खाना खाती थी, वो भी इतना सारा, ठीक है, वो भी मैं वीडियो पे दिखा देती थी। तो इससे मेरी नींद खराब हुई, मेरा चैन खराब हुआ, ठीक है, सब कुछ ही एकदम डिस्टर्ब हो गया। मैं अपनी फैमिली से नहीं 2-2 3-3 दिन मिल पाती थी। अब मैंने क्या किया, मैं घर पे ही पेशेंट्स देख रही हूँ। अब मैं अगर 10 पेशेंट देखती थी, तो मैं सिर्फ 3-4 पेशेंट्स देख रही हूँ। मैं कंसल्टेशंस नहीं दे रही हूँ, सोशल मीडिया से और न्यूज से बहुत दूर हो चुकी हूँ। कोई भी करंट इवेंट में मैं इन्वॉल्व, मेरे को नहीं पता कि क्या हो रहा है दुनिया में। मेरे को खुद के लिए टाइम चाहिए था, मेरे को खुद को हील करना था, मेरे को खुद के लिए थोड़ा सांस लेने के लिए टाइम चाहिए था, और यही कर रही थी मैं इतनी देर से। और दूसरा ये कारण था कि मैं थोड़ा पंजाबी में बोलूंगी अब, ठीक है। अगर आपको नहीं सुनना तो आप प्लीज आगे चले जाइए 2-3 मिनट। जो इस वाले पंजाब विच हो रहा है, मैं जिन्होंने मेरे बारे पता है कि मेरे पापा पहले डॉक्टर से गए मेरी फैमिली विच, उन्होंने तो बाद फिर मैं डॉक्टर, मेरी फैमिली पूरी, मेरे ब्रदर मम्मा सब अपने डॉक्टर्स हैं। बट वो तो पहले मेरे दादाजी वो किसान से गए, और मैं उन्होंने हमेशा एज अ किसान ही याद रखूंगी, क्योंकि साढ़े को जमीन सी, उस जमीन करके मेरे पापा डॉक्टर बने, उदे करके फिर हम पापा डॉक्टर सी तो मैं डॉक्टर बनी। कितने कितने मैं अपने आप को कर्जदार समझदी हाँ कि अज अगर साड़ी पंजाब दी जमीन ते या किसान दी जमीन ते अगर आंच आंदी है, या उदे ते यू नो एक जबरदस्ती कुछ थोपिया जांदा है, कोई भी पोलिटिकल टैंट्रम्स खेले जाते हैं, ताँ अगर मेरे को सोशल मीडिया है तो मैं उदे थ्रू ये कहना चाहनी कि बेबे मैं किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद मूवमेंट नाल खड़ी हाँ। और आई थिंक सानू सारे नू एकजुट होके इस सिचुएशन दे विच रहना चाहिए है। इट्स नॉट कि किसान सिर्फ सिख होंगे है या पंजाबी होंगे है, हरियाणा विच भी किसान है, हिमाचल च भी है। एवरीबडी जिन्हें जमीन तो रोटी खाधी है, जिन्हें जमीन दे थ्रू अपनी जिंदगी बनाई है, वो जमीन का कर्जदार है। पर सारे धरती मां दे कर्जदार हाँ। इट्स नॉट कि बस क्योंकि मेरे 2 किले है, या मेरे 2.5 कनाल है, मेरे 3 कनाल है, या मेरे 400 किले है, एको ही है। आप सारिया की प्रॉपर्टी इज डिफरेंट थिंग, बट जमीन होनी, जमीन ते जमीन उपजाऊ है, तुसी जमीन दे उपर कुछ बीजते हो, उन्हों फिर तुसी सेल करके अपने घर की रोटी चलाते हो, या फिर तुसी उस जमीन नू सेल ऑफ करके अपना फ्यूचर बनाते हो। एंड ऑफ द डे उस जमीन, दैट इज इट, लाइक इट्स नॉट जस्ट के हाँ जट दी जमीन एंड ऑल, इट्स लाइक एवरी पंजाबी इज लाइक साडी जमीन वाली चीज, ओ वाली चीज करके थोड़ा जा मूड सही नहीं सेगा, मन नहीं महसूस सही कर रहा सेगा कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और स्किन दे टॉपिक से बोलना, ता करके मैं वीडियो अपलोड करना सही नहीं समझा ए सारे टाइम विच। एंड आई होप कि जो भी अगे फ्यूचर विच होगा वो किसानों के हक विच ही होगा और सब दी सुनी जाऊगी। यार क्यों सारे बह के आराम ना गल करके क्यों नहीं गल्ला सॉल्व कर सकते, हर चीज लिए नहीं पॉलिटिक्स क्यों खेली जाती है। मीन आई नो इट्स पॉलिटिक्स तो बिना कुछ नहीं हो सकता, और मैं अनअवेयर हाँ, आई एम रियली सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, बट जिंदगी इजी क्यों नहीं हो सकती। लाइक सामने पॉलिटिशियन बैठन, इतने किसान बैठन, दोनों अपने पॉइंट रखन, गल्ला क्लियर करन और फिर एक एग्रीमेंट बना लेन। इतना मतलब पोलिटिसाइज की तू इदा नहीं इदा नहीं, फिर इदा होएगा, फिर उसे पुलिस वाले खड़ा देंगे, फिर उन्होंने अंबाला कैंट नहीं टप्पन देंगे। इट्स ऑल सच अ मेस, एंड समझ नहीं आता कि ये चीज कदों समझ आएगी लोगों को, बह के भी तो गल सॉल्व की जा सकती है। चलो ठीक है, मैं इदा के मुद्दे ज्यादा अपने चैनल से नहीं लेके आती, मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं खुद कर्जदार फील कर रही थी कि मेरा बोलना बनता है इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं खुद एक किसान फैमिली में बिलोंग कर रही हूँ। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि मैं स्टैंड कर दी हाँ, आई स्टैंड विद द किसान ऑफ इंडिया, स्पेशली ऑफ पंजाब, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो होगा वो बेस्ट होगा। एंड ये 2 कारण थे मेनली। और एक होता ना कि बार बंदा कि बस फील राइट नहीं आ रही होती, कि बस मैं
ऐसे हो रहा था कि मैं डालूं ना डालूं, कल डालूंगी वाला चक्कर हो रहा था। पर जब मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी उसके अगले दिन से वीडियो ऐसे धड़ाधड़ 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 शुरू हो जाएगी, फिर से मैं अपने एक स्ट्रॉन्ग पोपाई वाले उसमें आ जाऊंगी कि बस अब वीडियो डाली जाऊंगी। आई एम रियली सॉरी मैंने आप लोगों को ऐसे फील करवाया कि मैं डॉक्टर हनीत कहीं गायब भी हो गई, क्योंकि इतने मैसेजेस इतने कमेंट्स आ रहे थे। आओ बोले पहले तो हक दो मुझे फटाफट। इतनी खुशी हुई ना मेरे को ये देख के कि आप लोगों ने मेरे को इतना मिस किया, आप लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे हैं, कई लोग तो घर पे भी आए हैं पूछने के मैम आप ठीक हो, आप क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये बस कुछ चंद ऐसे कमेंट्स और मैसेजेस ने मेरे को वो रखा कि यार पीपल एक्चुअली मिस मी, और वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो प्लीज आप इस वीडियो के नीचे लिख देना कि आपको यू नो आपने मेरे को मिस किया कि नहीं किया, एक तो ये चीज, और एक आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि स्किन मेरी जान है, मतलब स्किन इज स्किन, आपकी स्किन को अच्छा बनाना, आपको अच्छा महसूस करवाना अपने खुद के बारे में, ये मेरी मेरा जिंदगी का एम है, ये मेरा पैशन है, और मैं पैशन को पैशन की तरह ही रखना चाहती हूँ। जब आपको पैशन सिर के ऊपर डंडा रख के ऐसा हो ना कि भाई इतने पेशेंट देखने इतने कंसल्ट, तो वो ना फिर हफदड़ में खुश नहीं होता बंदा, मैं खुश नहीं फील कर रही थी। अगर मतलब खुश होकर काम ना करे वो लगता भी नहीं है। होता ना कई बार कि मम्मी, अगर मम्मी का मूड नहीं अच्छा और मम्मी ने रोटी बनाई तो वो रोटी में वो कई बार स्वाद नहीं आता, तो वो वाली चीज हो रही थी कि भाई डॉक्टर हरनीत अगर करेगी वीडियो तो फिर पूरी खुश होकर करेगी, नहीं तो नहीं। क्योंकि देखो यार आपकी जिंदगी में ऑलरेडी टेंशन होंगी, तो मैं अगर यहाँ पे आके अपना दुखड़ा रोने लग जाऊंगी तो फिर आप लोग मतलब कहोगे कि यार एक तो जिंदगी में वैसे ही टेंशन है, ऊपर से डॉक्टर हनीत अपना स्यापा लेके बह जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार अपने आप को पहले अपने प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके अपने आप को फिर से स्ट्रांग बना के और फिर आपके सामने आती हूँ, और मैंने वही किया। थोड़ा टाइम लगा लेकिन अब आई फील बेटर, क्योंकि भाई पर्सनल लाइफ के ना कचुंबर निकल जाता है। क्योंकि जिंदगी में एक वो कहावत सुनी थी कि जब इंसान के पास शोहरत पैसा फेम नेम आ जाता ना तो इंसान की पर्सनल जिंदगी खराब हो जाती है, कोई रहता नहीं है पास में। लाइक कुछ ना कुछ ऐसा ही है अब मेरे पास, लाइक है काफी कुछ, सब कुछ है ऑलमोस्ट, सोशल मीडिया लाइफ और मनी एंड डॉक्टरी एंड अच्छा लोग बोलते हैं मेरे को, पर अकेले फील करती हूँ कभी कभी यार। ऐसे होता है कि यू नो एक पर्सनल लाइफ भी होनी चाहिए जो मेरी बिल्कुल नहीं है। पर्सनल तो छोड़ो भाई, मेरी तो फैमिली लाइफ भी नहीं बची कि मैं अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकूं। इसलिए मैंने अपने काम को, हमें सबको ऐसे करना चाहिए, हम सबको अपने काम को कई बार पैसा छोड़ के ना, पैसे वाली चीज को कम करके समय की कदर करनी चाहिए, क्योंकि समय अगर एक बार चला गया हाथों से तो भाई फिर ना आएगा। और इस चीज का कहीं ना कहीं ग्लिम्स मिला मुझे कि अगर मैं अपना वक्त ही नहीं एंजॉय कर पाऊंगी जिसके लिए इतनी मेहनत करती हूँ रोटी कमाने के लिए, तो अगर रोटी चैन से नहीं खाई, अगर वक्त ही ना मेरे को मिला एंजॉय करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ बैठने के लिए, दो पल किसी से प्यार से बातें ही ना कर सकी मैं, तो फिर क्या फायदा इतना सब कुछ करने का। भाई एंजॉय करके करना चाहिए, एंजॉय नहीं कर रही थी तो फिर वो काम काम नहीं लगता, वो मजबूरी लगती है, वो सिर के ऊपर डंडा लगता है, और वो हमसे नहीं होगा, नहीं हुआ। पर अब मैं ऐसे एंजॉय वाले तरीके से, खुशी वाले तरीके से, प्यार वाले तरीके से आपके सामने आऊंगी, ताकि आपका भी चेहरा मुझे देख के खिल जाए और आप मेरी उदासी में उदास ना हो। आप बस ये सोचो कि मेरा मुश्किल थोड़ा टाइम चल रहा था, अब मैंने वो गुजार लिया है, सब्र रखा, बहुत सब्र की जरूरत होती है भाई। और एक चीज मैंने जो सीखी है, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आगे सुन लेना, एक चीज सीखी है मैंने इस टाइम, मैंने वैसे ओवरऑल वैसे ही जो एक चीज मैं बोलना चाहती हूं, कभी भी जिंदगी में ना मजाक में भी कुछ बुरा भला मत बोलो ना करो। मैं मजाक नहीं कर रही हूं भाई, तुम एक एक शब्द में, एक एक चीज जो हम जो भी करते हैं, जो भी मन में भी कुछ सोचते हैं, वो घूम के भगवान उसी दिन या उसी वक्त आपके चेहरे के ऊपर चमाट मार के वापस आपको मिलता है। कर्मा पहले होता था, अगले जन्म में कर्म भुगतने पड़ेंगे भाई, अगले जन्म का तो बहुत देर के बाद होगा, इसी जन्म का इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। और चाहे वो एक छोटी सी चीज हो, चाहे वो आपने बड़ी गलती की हो, कुछ भी किया हो आपकी लाइफ में, आपको जो भी आप करते हो ना, चाहे मजाक में कुछ भी जो करोगे, वो ऐसे कुछ ही देर में भुगतना पड़ जाएगा। तो प्लीज भाई मतलब मत करो कुछ भी ऐसा गलत, कोशिश करो हमेशा अपनी तरफ से अच्छा ही करो और फिर अच्छा ही होगा। अगर आपको तो मेरे साथ बुरा हो रहा है, कहीं ना कहीं सोच के देखो हमसे ही ना कोई गलती हुई होगी जिसकी वजह से हमारे साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस मैंने देखी अपने पेशेंट्स के थ्रू, अपने खुद की लाइफ में, कि हमें एंड ऑफ द डे एनालाइज करना चाहिए, रुकना चाहिए जिंदगी में कि यार कहीं मेरे से तो नहीं कोई गलती हो रही जिसकी वजह से मेरी लाइफ में कोई दुख है। तो वो देखने के बाद फिर बंदे को क्लोजर मिलता है, बंदे को समझ आता है कि अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे सिचुएशन। तो टाइम लो, थोड़ा गैप लो हर चीज से, आपको भी अपना फोन छोड़ना पड़े दो चार दिन के लिए, दो चार हफ्ते के लिए छोड़ो और अपने खुद के साथ टाइम गुजारो, और फिर बहुत चीजें पता लगेंगी, बहुत चीजें, और फिर इसके बाद आप बेटर फील करोगे जैसे मैं आप बेटर फील कर रही हूँ।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, मैं समझूंगी आप मेरे को नहीं पसंद करते हो, लेकिन अगर करते हो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि भाई आप समझ गए कि इसलिए मैं नहीं आई थी इतनी देर में, और कौन सी अगली वीडियो देखनी है वो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ यार, इतने अच्छे कमेंट, बहुत अच्छे लोग हो आप सब, बहुत ज्यादा। एंड थैंक यू मेरी फैमिली इतना ग्रो होने के लिए। जो लोग नए आ रहे हैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि भाई मैं सब देख रही हूँ, मेरे को पता लग रहा है, बस मैं वो ताकत ही नहीं थी कि मैं सबको एक्सप्रेस कर सकूं, लेकिन अब हम करेंगे एक्सप्रेस अच्छे तरीके से, स्ट्रांग बन के, ठीक है। एंड आई लव यू गाइस सो मच, और अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।